हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन के माध्यम से एक पैराग्राफ या पैसेज लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो लेसन वन से जरूर देखेंगे। शुरू से टेंस सीखना चाहते हैं तो टेंस के प्लेलिस्ट में जरूर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं अपने गाँव में रहता हूँ, तो यहाँ पर ता हूँ, तो इससे हम समझ जाते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। वह जाता है, तुम पढ़ते हो, मैं खाता हूँ, ये सभी एग्जाम्पल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और इसमें एम ईच आर नहीं लगता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, तो यहाँ पर मैं है सब्जेक्ट, यहाँ पर आई लिख देंगे। रहना का लीव होता है, लीव लिख देंगे। और यदि थर्ड पर्सन रहता सिंगुलर नंबर, जैसे ही रहता तो लिव्स होता, आई है तो लीव होगा, आई लिव अपने गांव में, इन माई विलेज। मैं अपने गांव में रहता हूं, आई लिव इन माई विलेज। गांव में मेरा एक छोटा घर है, तो मेरा एक छोटा घर है यानी कि मेरे पास एक छोटा घर है, इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। तो आई हैव अ स्मॉल हाउस इन द विलेज, या फिर देयर से भी बना सकते हैं, There is a small house of mine in the village. लेकिन I have ही better रहेगा। I have a small house in the village. मेरा घर ईंट का बना है, My house is built of brick. यह सड़क के किनारे है, It is on the roadside. करीब 5 वर्ष पहले मेरा घर बना था, यानी कि करीब 5 वर्ष पहले मेरे घर को बनाया गया था। इसे आप पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे करीब 5 वर्ष पहले मेरा घर बना था, माई हाउस वॉज बिल्ट, या कंस्ट्रक्टेड भी लिख सकते हैं। करीब 5 वर्ष पहले, अबाउट 5 years ago. मेरे घर में 7 कमरे हैं, There are 7 rooms in my house. जैसे मेरे स्कूल में 500 विद्यार्थी है, तो देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। उसी प्रकार देयर आर 7 रूम्स इन माई हाउस। जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। सभी कमरे बड़े हैं, ऑल द रूम्स आर बिग, आप स्पेसेस भी लिख सकते हैं। हर कमरे में 2 खिड़कियां एवं दरवाजे हैं, हर कमरे में 2 खिड़कियां एवं दरवाजे हैं। तो इसे हैव हैज लगाकर भी बना सकते हैं और देयर से भी बना सकते हैं, तो हैव हैज से थोड़ा छोटा बनेगा, इसलिए हैव हैज से ही बनाएंगे। तो इसे हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि हर कमरे के पास 2 खिड़कियां एवं दरवाजे हैं, जैसे एवरी रूम has 2 windows and doors. Next sentence है, मेरे घर के चारों ओर एक खुला मैदान है, There is an open field all around
माई हाउस, मेरे घर के चारों ओर एक खुला मैदान है। आंगन में एक नलकूप है। देयर इज अ ट्यूबवेल इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में। घर के सामने कुछ जमीन है। देयर इज सम लैंड घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द हाउस। उसमें एक मंदिर है। देयर इज अ टेम्पल ऑन इट। बहुत सारे लोग मंदिर में पूजा करने आते हैं। मेनी पीपल कम टू द टेम्पल टू वर्शिप। फॉर प्रेयर भी लिख सकते हैं। मेरे घर के पीछे एक पीपल का पेड़ है। देयर इज अ पीपल ट्री मेरे घर के पीछे, बिहाइंड माई हाउस। किसान उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं। द फार्मर्स टेक रेस्ट अंडर दैट ट्री। बच्चे झूला झूलते हैं। द चिल्ड्रन स्विंग। मेरा घर देखने में छोटा है। माई हाउस इज स्मॉल टू लुक एट, किंतु वह बहुत सुंदर है। बट इट इज वेरी ब्यूटिफुल। सच ही कहा गया है, अपना घर स्वर्ग से सुंदर। इट इज राइटली सेड दैट आवर ओन हाउस इज बेटर देन द हेवन। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और एंड स्क्रीन में आपको और भी वीडियोस दिखाई दे रहे होंगे तो उस पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। एंजॉय योर सेल्फ।